मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, चैप्टर वन, मैथ्स। कल हमने प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में आपको बताया कि प्रेडिसेसर में क्या होता है, माइनस करना वन को, और सक्सेसर में प्लस करना है। प्लस यानी कि इसमें एक ऐड करना, वन को ऐड करना, इसमें वन को माइनस, सॉरी, इसमें क्या करना है, वन माइनस करना है और इसमें ऐड करना। सक्सेस में क्या करना है, वन को ऐड करना और इसमें माइनस करना है। अब देखो, हमने के और एल दो टू क्वेश्चन आपको करवाए। अब आज आपना है एन क्वेश्चन। पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर एन। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिट इन द ब्लैंक्स। अब देखो, ऑब्जर्व, इस पैटर्न दे रखा है, इसको कैसे करना है ये देखना है। अब देखो, पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इसको देखना है कैसे करना है और इसको किस तरह से फिल करना है। अब इसमें कौन सी आपको, वन डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट और फोर डिजिट, फोर डिजिट तक आपको करवाया। तो ये जो डिजिट है, कितनी डिजिट है, ये फोर डिजिट है। फोर डिजिट कहां से स्टार्ट होगी, थाउजेंड से, 2925। ठीक है, क्या दे रखा है, 2925। नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, 2975। अब हमें ये देखना है कि 2900 इसमें भी दे रखा है, 2900 इसमें भी दे रखा है। अब इसमें कितने हैं, 25, इसमें कितना है, 75। तो इन दोनों के बीच में कितनी डिजिट का गैप है, कितनी संख्याओं का गैप है। अब हम क्या करेंगे, कितने का गैप हो गया, 25 को 25 से फिर 25, तो कितना हो गया, 50 का गैप हो गया, 50। तो हमें क्या करना है कि 2975, हमें ये पता लगाना कि 75 कैसे आया। तो अब मैं बताती हूँ आपको कैसे आया। यहाँ सबको दिख रहा है, 2925 दिख रहा है सबको। अब यहाँ कितना दे रखा है, 2975 कैसे आया, तो हम इसमें क्या करेंगे, 50 को काउंट करेंगे। क्या करेंगे, 50 को काउंट करेंगे, 5 का 5, 2 5 7, 9 का 9 और 2 का 2। आगे सेकंड संख्या समझ में आपको, सेकंड डिजिट कैसा है, 2975। अब क्या करना, ये जो डिजिट आई है अपने, जो आंसर आया डिजिट का, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर 50 को फिर काउंट कर देंगे, 50 को, 5 का 5, 7 5 12 कैरी आ गया, 9 और 1 10, 10 का 0 या 1 आ गया, 3025। तो नेक्स्ट डिजिट फिल करेंगे हम 3025। ओके, आगे यहां तक समझ में। अब फिर क्या करेंगे, 3025 में फिर 50 को काउंट करेंगे। इसी के नीचे एक बार करके देख लेते हैं, 5050, 5 का 5703 आ गया। तो नेक्स्ट डिजिट क्या हो गई, 3075। ठीक है, अब 3075 में फिर क्या करेंगे, यस, वेरी गुड, क्या करेंगे, 50 को काउंट करेंगे। इसके नीचे 50 लिख दिया हमने, तो 5 का 5, 7 5 12। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, ऊपर कैरी आ रखा है, तो इस 12 को हम 12 का 12 ही लिख देंगे और 3 का 3। तो क्या गया, 3125। तो नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, 3125। अब क्या करेंगे, यस, इसमें क्या करेंगे, 50 को काउंट करेंगे। तो 50 को काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 3175। ओके, देख लो, ये कर दिया हमने काउंट, 5 का 5713 आ गया। समझ में सबको, 3175। जब हमें समझना हो तो पहले इस डिजिट को देखना, इस डिजिट को देखना, इसमें 25 है, इसमें 75 है। अगर 75 को 25 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा, और वापस जोड़ेंगे तो 75 आएगा। फिर आगे क्या करेंगे, इसमें 50-50 काउंट करते रहेंगे 5 टाइम तक। ओके,
अब नेक्स्ट संख्या क्या दे रखी है, 3666. क्या दे रखा है, 3666. नेक्स्ट कौन सी दे रखी है, 4666. अब 4000 है ना, अब देखो 1000 यहाँ कितने, 1000 4000 यहाँ कितने, 1000 5000 4000 यहाँ कितने रही है, 5666. फिर यहाँ कितना 5, तो यहाँ 6666. फिर 6 के बाद क्या है, 7666. फिर है 8666. आगे समझते सबको. अब देखो नेक्स्ट थर्ड, अब इससे क्या दे रखा है, 1100. इसको 1100 भी बोलते हैं, इसको 2200 भी बोलते हैं, पर इसको फोर डिजिट में अपने संख्या है, तो 1100 1100 1100 2200 2200. अब देखो 11 कितने पर सबको आती है, 11 1 11 आ गया, 11 2 22, 11 3 30, और ये दो जीरो लगा दे तो क्या हो गया, 3300 4400 4500 5500 6600. आया सबको समझ में, वेरी गुड. अब देखो फिर इसको फोर सवाल को, 2150 क्या दे रखा है, 2150. फिर दे रखा है 3150. अब यह क्या है, 21. यह क्या है, 31. हम काउंट ही आपको डाल के देते ना, 1 11 21 31 41 51. अब आपको क्लियर करनी है, आपको फिल करना उसको. इसी प्रकार से 21 31 31 में कितने का गैप हो गया, 10 का. ठीक है, 10 का है, तो 10 41 31 के बाद 41 41 के बाद में 51 की लाइन, 51 के बाद 61 की लाइन, 61 के बाद में 71 की लाइन. ये हो गई. अब क्या दे रखा है, 50. तो 4150 5150 50 6150 50 7150. ओके, आगे समझे. चलो सवाल आपको आगे ऑब्जर्व करना, क्या करना, ऑब्जर्व करना, इसको देखना है इसको कैसे किया गया है, फिर इस पैटर्न को देख के इस ब्लैंक जो दे रखे हैं उनको हमें फिल करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय 2795. अब देखना है फोर डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय क्या दे रहा है, 2795 दे रखा है. अब इसमें पूछा है कि फोर डिजिट है और ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी है, कौन सी डिजिट में, फोर डिजिट में सबसे बड़ी संख्या बनानी है. अब इसमें फोर डिजिट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9. तो हमने लिख दिया 9, लिख दिया. अब इसको किसमें बनानी है, फोर डिजिट में, तो अब 9 के बाद कौन सी आ गई, 7. 7 के बाद में 5 5 के बाद में 2, तो 9752. राइट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय 3057. अब है स्मॉलेस्ट, फोर डिजिट में स्मॉलेस्ट संख्या में डिजिट बनानी है, कैसे बनाएंगे. अब सबसे छोटी कौन सी है, 0. फिर क्या लिखेंगे, 357. तो कितने बने, 357. पर ये फोर डिजिट में दे रखा है इसमें. ठीक है, अब है राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर फॉर्मेट बाय 2043. अब ग्रेटेस्ट फोर डिजिट में सबसे बड़ी बनानी है इसमें भी, तो इसमें वापस वही करना है, 4 3 2 0. ग्रेटेस्ट में मतलब इसमें जो बड़ी संख्या है वो आगे, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटी, तो क्या बन गया, 4320. ओके, आगे आपको समझ नहीं आता, दोनों सवाल समझ में आ गए आपको, प्रैक्टिस ऐसे भी बता दिया, सक्सेसर भी बता दिया, अब ऑब्जर्व भी आपको बता दिया, ग्रेटेस्ट कौन सी होती है और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है. ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ी संख्या आगे आती है, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटी, वैसे करती है, फोर डिजिट में आपकी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी. स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी संख्या अगर करेंगे तो सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट बनाएंगे, 0357. ओके,
सबको आ गया समझ में?